प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों ने की हड़ताल। प्रदेश सरकार से वेतन विसंगति दूर करने की उठाई मांग। पंचवर्षीय चुनाव में आ रही गिरावट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य स्तरीय भाषण इलेक्शन क्विज प्रतियोगिता का किया आयोजन। खनिज विभाग की कार्यवाही से किसान परेशान। किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने खनिज अधिकारी से की मुलाकात। शासकीय कर्मचारी सहयोगियों के साथ मिलकर चला रहा है अवैध ईंट भट्टा। कांग्रेस पदाधिकारियों के एसबीआई के सामने किया धरना प्रदर्शन। अडानी समूह को लाभ देने का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का। रुख करते हैं खबर की ओर। सक्ती जिले के टोहिला डी गांव में एक शासकीय कर्मचारी पर अवैध रूप से ईटा भट्टा संचालन का मामला प्रकाश में आया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि एनओसी और किसी विभाग से बिना अनुमति के ग्राम पंचायत में आरोपी विनोद राठौर सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद बिना लाइसेंस के अवैध रूप से ईट भट्टे का संचालन कर रहा है, जो सिविल सेवा आचरण के नियमों का उल्लंघन है। दूसरा आरोपी आनंद राठौर भट्टे में नाबालिग 14 वर्ष के बच्चे से मजदूरी करवा रहा है। शिकायतकर्ता ने कलेक्ट्रेट से मिलकर ईंट भट्टा संचालक और दो सहयोगियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष जुड़ेंगे। मनीष, देखा जाए तो ईटा भट्टा का संचालन अवैध रूप से कराया जा रहा है। जी नंदन जी, बताना चाहूंगा कि सक्ती जिले के ग्राम सोहिला जी में ईट भट्टे का मामला प्रकाशित आया है, जिसमें न जल संसाधन विभाग सक्ती के टाइम कीपर के पद पर विनोद राठौर और उनके दो अन्य सदस्य के साथ मिलकर अवैध रूप से ईट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि जल संसाधन विभाग के जो टाइम कीपर विनोद राठौर है, जिन्होंने ना तो ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की एनओसी नहीं ली है और ना ही विभाग से अनुमति नहीं ली है। जी, देखा जा रहा है वे अवैध रूप से ईट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। साथ ही शिकायतकर्ता का यह भी कहना था कि 14 साल के बच्चे से भी मजदूरी कराई जा रही है। इस पर कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराई गई है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जी, प्रशासन की तरफ से अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है या अभी तक नहीं की गई है? जी, अभी देखा जा रहा है, प्रशासन को शिकायत प्राप्त हुई है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष। सरायपाली ब्लॉक में संचालित करीब 250 प्राथमिक शालाओं के सहायक शिक्षकों ने एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। शिक्षकों ने कहा कि प्रदेश सरकार को प्रत्याचार और आंदोलन के माध्यम से वेतन विसंगति दूर करने की अपील भी की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक पूरे मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हड़ताल से छात्रों की पढ़ाई बाधित होने पर कहा कि सरकार उनकी मांगे मान लेती है तो अतिरिक्त कक्षाएं लगातार छात्राओं का कोर्स पूरा करेंगे और उनका भविष्य खराब होने नहीं देंगे। शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों ने कहा कि हड़ताल में बैठे शिक्षक अपनी वेतन विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे हैं। प्राथमिक शाला के शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पे हैं और सभी प्राथमिक शाला में पढ़ाई जो है के साथ साथ मध्यान्ह भोजन भी सुचारू रूप से संचालित है, इसकी व्यवस्था हम लोग कर लिए हैं। संकुल सोने के माध्यम से सभी स्कूल में पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित है। मांगे क्या है सर इनकी? अपनी वेतन विसंगति को की मांग उनकी है, उनके साथ अन्य और मांग होंगे उनकी, अपनी मांगों को लेकर के वो हड़ताल पे है। मतदान प्रतिशत में पंचवर्षीय चुनाव सहित अन्य चुनाव में गिरावट को देखते हुए संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में राज्य स्तरीय भाषण
इलेक्शन क्विज प्रतियोगिता आयोजन अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया है। भाषण और क्विज प्रतियोगिता में युवा छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान प्रतिशत घटने का कारण युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता नहीं होना बताया है। इलेक्शन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को जोड़ने और लोकतंत्र के संबंध में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। मतदान प्रतिशत जो गिरता जा रहा है वो चिंता का विषय है। तो हमारी स्टडी है कि वे कौन लोग हैं जो मतदान नहीं करते हैं, उसमें युवा नंबर वन पे है। तो युवाओं को मोटिवेट करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कॉलेज लेवल पे इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। इस वर्ष दो प्रतियोगिताएं हो रही है, एक भाषण प्रतियोगिता और इलेक्शन क्विज प्रतियोगिता। तो इसे हमने पहले हर कॉलेज लेवल पर लिया है। कॉलेज लेवल से टीम बनी, वो जिला लेवल पे आई, जिला लेवल पर अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता हुई, उसकी टीम बनी और ये जिला से जो निकले वो संभाग लेवल पर आए और संभाग लेवल पर प्रतियोगिता हुई, उसके बाद आज जो है अंतर संभागीय। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में किसानों ने खनिज अधिकारी से मुलाकात की है और किसानों पर खनिज विभाग की तरफ से हो रही कार्रवाई को बंद करने की अपील की गई है। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जगदीश सिंह ने बताया कि खनिज विभाग के अधिकारी छोटे किसानों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। एक कुम्हार किसान बर्तन बनाने के लिए मिट्टी ले जाकर जा रहा था, जिस पर खनिज विभाग की कार्रवाई गलत है। जिले में बड़े बड़े क्रेशर ईंट भट्टे संचालित हैं, जिन पर कार्यवाही नहीं करते। कुम्हार किसान के ट्रैक्टर को खनिज विभाग नहीं छोड़ता है। मुख्यमंत्री से घटना की शिकायत करेंगे और किसान कांग्रेस व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी। हमारे प्रेमनगर क्षेत्र से सूरजपुर जिला से बार बार शिकायत आ रही है कि खनिज विभाग के द्वारा किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और बड़े बड़े क्रेशर चल रहा है, बड़े बड़े गिट्टी बोल्डर उत्खनन हो रहा है। इनको ना कार्रवाई करके छोटे किसान जो गांव के आते हैं, अपने धान चावल बेच के ट्रैक्टर लिए हैं, अपने यूज के लिए ईंटा माटी करब बोर्ड से जो कुम्हार समाज का जो माटी कला बोर्ड से प्रमाण पत्र मिलता है अपने घर यूज ईंटा बनाने के लिए, वहाँ से ईंटा अपने घर के लिए आ रहे थे तो खनिज विभाग वाले पकड़ के उनके ट्रैक्टर को कार्रवाई कर दिए हैं। तो खनिज विभाग से निवेदन है कि ट्रैक्टर को तत्काल से तत्काल छोड़ा जाए, नहीं तो जिला किसान कांग्रेस कमेटी इनके खिलाफ आंदोलन करेगी। रामानुगंज नगर में 3 तारीख को इनकी कार्रवाई हुई थी, 4 तारीख को कार्रवाई हुई थी, उसमें अवैध तरीके से ईंट का परिवहन किया जा रहा था। ये अभी आए हुए थे, ये उन्होंने बताया है कि ये किसान घर के लिए लेके जा रहे हुए थे, तो हमने इनको अभी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने बोला है कुम्हार जाति का। इनका अगर ये घर के उपयोग के लिए लेके जा रहे हैं तो फिर इनके लिए छूट है, छूट के प्रावधान में अगर आएगा तो गाड़ी पर रिलीज हो जाएगी। कांग्रेस पदाधिकारियों ने भारतीय स्टेट बैंक और LIC के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर गलत नीति बनाकर अडानी समूह को लाभ पहुंचाने और निवेशकों की राशि फर्जी तरीके से अडानी को जारी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने निवेशकों के रुपए वापस करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार की गलत नीति का जमकर विरोध किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट अमेरिका की कंपनी के, उसमें जिस तरह से अडानी के खिलाफ जो बातें और जो तथ्य प्रकाशित किए गए हैं उसके लिए हम लोग चिंतित हैं। जो स्टेट बैंक के सामने हम खड़े हैं, इसके 45 लाख जो ग्राहक हैं, खाता 45 करोड़ खाता धारक हैं वो, और 29 करोड़ खाता धारक PNB के, इन दोनों के और LIC के जो खाता धारक हैं, इनका जो पैसा है वो कैसे सुरक्षित रहे, ये हम लोगों की चिंता है। न देश के प्रधानमंत्री को इस बारे में कोई चिंता है, न SEBI से जांच करा रहे हैं, न JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना रहे हैं, न ED से जांच करा रहे हैं। इस बारे में हम लोगों का प्रदर्शन है।
माघी पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर दीपदान किया और पुण्य स्नान के बाद भक्तों ने भगवान नर नारायण का दर्शन किया और अन्य दिव्य वस्त्र का दान कर अपने और अपने परिवार की सुख शांति की कामना की है। माघी पूर्णिमा मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए मौत कुआं, टूरिंग टॉकीज, मीना बाजार, आकाश झूला, ड्रैगन झूला, कपड़े की दुकानें, फल की दुकानें बड़ी संख्या में पहुंची हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मेले के कोने कोने में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। शिवरी नारायण मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी है। बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से मेला देखने शिवरी नारायण पहुँच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप गुप्ता का थाने में जन्मदिन मनाने का मामला प्रकाश में आया है। थाने में जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा नेता जन्मदिन पर केक काटते दिख रहे हैं। इस मौके पर थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने पूरे मामले में आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री क्षेत्रीय विधायक टीएस सिंह देव ने कहा कि प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारी के लिए यह कार्य सर्वथा अनुचित है। उन्होंने थाना प्रभारी को अपनी मर्यादा में रहकर काम करने की सलाह दी है। ये सब नहीं होना चाहिए। कोई भी दल के लोग हैं सरकारी किसी भी अमले में निजी कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो चेतावनी देनी चाहिए। ये नहीं कि वो बीजेपी के थे, कोई कांग्रेस का नेता है वो जाके बर्थडे केक वहाँ काटेंगे तो वो भी उतना गलत है। उनके क्वार्टर में जाके काटेंगे, किसी से उनके निजी संबंध है तो बात अलग है, लेकिन थाना एक कार्य स्थल है। कार्यस्थल में और शासकीय कार्यस्थल में किसी निजी व्यक्ति को कोई निजी आयोजन करना ये पूरी तरह से अनुचित है। लखनपुर में कल एक औपचारिक बैठक व्यापारी संघ की वहां के थाना प्रभारी के द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें पुलिसिंग कैसे बेहतर हो उसको लेकर, साथ ही साथ सीसीटीवी लगाने को लेकर व्यापारियों को एक निर्देशित किया गया और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधार हो इसको लेकर ये मीटिंग आयोजित की गई थी। और मीटिंग के दौरान ही व्यापारी संघ के सदस्यों के द्वारा वहाँ पर बताया गया कि एक व्यापारी है, उनका जो जन्मदिन है उसी को लेकर वो उसमें मुंह मीठा एक दूसरे का उसमें कराया गया था, जिसको लेकर कि कुछ ऐसी भ्रामक खबरें और इस प्रकार की खबरें चलाई जा रही हैं कि जिसमें कि किसी नेता का बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा है। सरगुजा पुलिस इससे खबरों का पूर्ण रूप से खंडन करती है। पामगढ़ के ग्राम पंचायत दुर्गा में संभागीय स्तरीय ट्रेटॉन बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। मैच का आयोजन स्वर्गीय इंजीनियर नरेंद्र कुमार पूरे, गोलू तिवारी, रविंद्र पटेल, किशन चौहान की स्मृति में किया जा रहा है। जन प्रतिनिधियों ने विविध पूजा अर्चना और फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। उद्घाटन मैच रासौटा और हीरागढ़ की टीम के मध्य खेला गया। प्रतियोगिता में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमों के बीच 12-12 ओवर मैच का खेला जाना है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण खिलाड़ी और दर्शक उपस्थित थे। इस दौरान मुख्य अतिथि संजीव खरे, जेसीसी नेता किरण कठौतिया, जिलाध्यक्ष जांजगीर चांपा, सरयू पूरे, सरपंच प्रतिनिधि समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण खिलाड़ी और दर्शक उपस्थित थे। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक मुख्यालय जनपद परिसर में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन विकासखंड पिथौरा के बैनर तले शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आवाहन पर वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन जारी है। उन्होंने बताया कि विगत 4 सालों से वेतन विसंगति दूर करने को लेकर सड़क की लड़ाई के साथ भेंट मुलाकात और चर्चा के माध्यम से उच्च अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक अवगत कराया है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई उचित निर्णय नहीं लिया है। विगत वर्ष 16 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 महीने की एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी का निर्णय नहीं आने पर शिक्षक सर्वंग में व्यापक आक्रोश है। शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 6 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की रणनीति बनाई गई है। पिथौरा ब्लॉक के समस्त सहायक शिक्षक फेडरेशन के सदस्य आंदोलन में शामिल हुए हैं।
छत्तीसगढ़ सहायक सबक शिक्षक फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश संगठन ने आह्वान पर जिले के सहायक शिक्षकों ने ब्लॉक स्तर पर पड़ताल लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने से पूर्व कांग्रेस ने सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को मांग दूर करने का भरोसा दिया था, लेकिन सरकार बनने के 4 साल बाद भी सहायक शिक्षकों की मांग पर विचार नहीं किया जा रहा है। पहले भी फेडरेशन ने आंदोलन का रुख अपनाया है, लेकिन सरकार से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। जगदलपुर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के आस्था हॉल में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने डीएमएफटी और जिला स्तरीय विभागीय कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि बैठक का 2-3 दिन माह के अंतराल में आयोजन होता है, जिसमें प्रदेश सरकार के विकास कार्यों पर चर्चा की जाती है। कार्यक्रम के समापन पर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि भूपेश सरकार किसानों से इस साल 4 से गुना ज्यादा धान खरीदा है। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, विधायक चंदन कश्यप, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। हमारा जगदलपुर में, जगदलपुर जिला में ये हमारा रूटिंग बैठक होता है 2-3 महीना में। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री का योजना मैदान तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इस बात से खुशी हूँ कि आज इस साल जो धान बिक्री हुआ है 4 गुना ज़्यादा बढ़ा है। खाली बस्तर की बात कर रहा हूँ, बस्तर में 4 गुना धान इस साल बढ़ चुका है। और सभी हमारा जनप्रतिनिधि लखेश्वर बघेल हो चाहे चंदन कश्यप हो, ये बोल रहे थे कि पैसा बैंक से नहीं मिल रहा है। हम बैंक वाला को पूछा, हर रोज 4 करोड़ हमारा लिमिट है जो शासन से वो बैंक का नियम एक होता है, उस नियम के आधार पर हम लोग 4 करोड़ रोज दे रहे हैं। कितना बड़ा खुशी है एक आदिवासी किसान के पास। ये तो आदिवासी नहीं, आम आदमी चाहे व्यापारी हो सामान्य आदमी हो, सब लोग किसान होता है, उनको रोज 4 करोड़ रुपया बैंक से निकल के ले जा रहे हैं। तो दान करी थी, डबल हुआ है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज का बस्तर में हिंदू संगठनों के लोगों ने भव्य स्वागत किया है। जगतगुरु के काफिले पर शहर के मुख्य मार्गों पर फूलों से वर्षा की गई है। जगतगुरु शंकराचार्य के 3 दिवसीय प्रवास के मद्देनजर लालबाग मैदान में धर्मसभा के लिए बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। जगतगुरु के प्रवास को देखते हुए करीब 1 महीने से आने की तैयारी की जा रही थी। समस्त हिंदू संगठनों के सदस्य प्रवास को लेकर बेहद उत्साहित हैं। प्रवास का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू राष्ट्र निर्माण, हिंदुओं की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, श्रेष्ठ भारत का सृजन करना है। जगत गुरु ने आदिवासियों के धर्म परिवर्तन पर कहा कि आदिवासी शब्द भ्रामक शब्द है, आदिवासियों को वनवासी कहा जाना उचित है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण पर रोक लगाई जा सकती है। अभी आदरणीय शंकराचार्य जी का नगर आगमन हो चुका है और कल आज रात को गोयल धर्मशाला में उनके रहेंगे और सामान्य जनता से वहाँ पे मिलेंगे वो। उसके बाद पश्चात वो आराम करेंगे। कल सुबह 12 बजे स्थानीय लालबाग ग्राउंड में उनकी धर्मसभा की जाएगी, जिसमें धर्म के बारे में पूरा बताया जाएगा, आने वाली पीढ़ी को भी और वर्तमान पीढ़ी की जो काम कर रही है उसको और धर्म के बारे में जो भी गूढ़ रहस्य है उसके बारे में बताया जाएगा और हिंदू धर्म का महत्व भी समझाया जाएगा। उसके बाद कल शाम को भी दर्शनार्थ गोयल धर्मशाला में रहेंगे वो। 8 तारीख को सुबह पूरे समाज की संगोष्ठी है और बहुत से लोग जो हिंदू धर्म में दीक्षा लेना चाह रहे हैं शंकराचार्य के अधीन में, तो उनकी दीक्षा भी होगी। लगभग 150 लोगों का आंकड़ा ऐसा आ चुका है कि जो दीक्षा लेना चाह रहे हैं, जो धर्म प्रचार का काम करेंगे बाद में। बलादौर जनपद के ग्राम पंचायत खिसोरा निवासी ग्रामीण पानी निकासी की समस्या से परेशान है। स्थानीय निवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं को कलेक्ट्रेट के समक्ष रखा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि करीब 2 वर्षों से ग्राम खिसोरा में पानी निकासी नहीं हो रही है और एक ही जगह से पानी जाम हो गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण घातक बीमारियों सर्पदंश के शिकार हो रहे हैं।
स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तहसीलदार उच्च अधिकारियों तत्कालीन कलेक्ट्रेट तारण प्रकाश सिन्हा से समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ग्रामीणों ने 10 दिन में समस्या का निराकरण नहीं होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। ग्राम पंचायत खिसोरा के बस्ती में गंदगी पानी के भराव हो गए हैं, जेकर कारण हमन के जीना बहुत दुश्वार हो गए है। बच्चा मन स्कूल नहीं जाते, नाना प्रकार के पैर में इन्फेक्शन होते और ओकर सही नालीकरण के व्यवस्था नहीं हो पाते। एक बार हमन हर जगह कागज दे चुके हैं, सचिव सरपंच तो पहले दे हैं, ओकर बाद थाना भी में दे हैं, ओकर बाद तहसीलदार सुख भी आवेदन कर चुके हैं, ओकर बाद कलेक्टर में भी ओकर सुख भी आवेदन हो चुके हैं, और आज के डेट में दूसरा बार भी ऋचा महोदय कलेक्टर के पास ओकर शिकायत दे आए हैं। तो देखा वो ओकर कार्यवाही का होते। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पामगढ़ ने केंद्र सरकार और अडानी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने करीबी उद्योगपतियों की मदद के लिए LIC, SBI और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अडानी समूह में निवेश के लिए मंजूरी दिया, जिसके विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन SBI बैंक पामगढ़ के सामने भारी संख्या में एकत्रित कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर जगदलपुर स्थित SBI ऑफिस के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अडानी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सरकारी संस्था SBI और LIC को बेचने का काम कर रही है, आम भारतीय नागरिकों का पैसा डूब न जाए, जिसको लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन में विधायक रेख चंद्र, महापौर सफीरा साहू, जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे। इनके सरकार में बड़े बड़े इस देश को लूट के भगे हैं, और इसी प्रकार अडानी हो भी हो नहीं हो, इसलिए हमारा संसदीय दल हमारे राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, गर्गे साहब रोज लगातार विधानसभा लोकसभा में राज्यसभा में बात उठा रहे हैं। ये दूध का दूध पानी का पानी तब होगा, हमारे हर दल के राजनीतिक दल के लोकसभा मेंबर, समिति जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच हो, इस देश को बचाना है। आज हिंदुस्तान में जीवन बीमा और बैंक ही जिस पर सबसे ज्यादा जनता विश्वास करती है, भरोसा करती है, उसको यदि केंद्र सरकार निजीकरण के मोड पे ले जाती है, ऐसी स्थिति में इनका विरोध करते हुए कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के हर जिलों के मुख्यालय में आज इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। मेहनत की कमाई का पैसा था, जारी रहेगा, और सुरक्षा के उपाय होना चाहिए। खासकर महिलाओं से कहना चाहूंगी कि महिला जागरूक हो जाएं और इसके प्रति आवाज उठाए, पूरी देश की जनता समझ रही है। हालांकि लोग जान रहे हैं पूरे घटनाक्रम में लेके हो, चाहे कौन बैठा है, हर चीज को लेकर इनके मंत्री कौन बैठे हैं, जिसकी कोई हद नहीं। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।